Hi, Devika. Congratulations. Congrats, Devika. Thank you. But किस लिए? तेरे 100 days over हो गए ना, और किस लिए? Oh, probation. इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात? तूने अभी तक बॉस का विकराल रूप नहीं देखा ना? वैसे इसे तो बहुत स्वीट लगती है. स्वीट नहीं, पर बुरी भी नहीं लगती है. रुको जरा, सबर करो, आगे आगे देखो, सब कितने स्वीट है ना, सब समझ में आएगा. Speak of the devil. चलो चलो बस. राहुल, where is the pitch? Ma'am, I would need some more time. यही तो problem है, we don't have time. Devika, you think you can do it? Yes or no? I can do it. Okay, good, perfect. Rahul, you're going to email her everything and hand over so that she can take over now. Sure. Good. तुम्हारा सही है भाई, तुमने तो आते ही लोगों के प्रोजेक्ट्स पे हाथ मारना शुरू कर दिया. Don't say that. Devika, all the best. If you need any help, let us know. ठीक है? चलो, भूख लग रही है. हेलो निशा, यार वॉशरूम आ सकती है क्या जल्दी से? पैड होगा क्या तेरे पास? हाँ हाँ, डोंट वरी, आ रही हूँ. ओके. यू फीलिंग ओके? ओके फॉर नाउ, बट सेकंड डे इज गोना बी पेनफुल. यार आई अंडरस्टैंड. चल ठीक है, अच्छा मेरी कैब आ गई. हाँ बाय. Nisha, can you check with Devika? Yeah, sure. I am so sorry for the delay. Rahul, why don't you take us through the original plan that we had decided? Sure. Yeah? Please. Please. So, sir, these are the... I'm sorry for your loss. Hope you are feeling okay. Yeah. तो फिर कब बता रही है? क्या? वही जो सच है. कल क्यों नहीं आई थी? Promise कर, किसी को नहीं बताएगी. I promise. यार मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने दो पेन किलर्स खा ली. मुझे लगा सुबह उठ के I'll be fine, but सुबह उठ के नींद ही नहीं खुली. तो ये बात बॉस को भी तो बता सकती थी ना? पीरियड वाली बात सबके सामने. वो भी है, वो भी लड़कों के सामने तो ऑब्वियस है. वही तो. आई अंडरस्टैंड. चलो फटाफट चल, बहुत सारा काम है. देविका, पक्का तेरी वजह से ये मीटिंग बुलाई है यार. सही बोल रहा है भाई. कुछ भी, कुछ ना कुछ बोले रहता तुम. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू देविका? Yeah, I'm fine. घर में किसी की डेथ हुई थी ना? Must be hard. Yeah, I'm holding on. Great. वैसे if I may ask, किसकी डेथ हुई थी? मैम वो मेरी मदर की साइड से great. झूठ तो ठीक से बोलो देविका. I know तुमने क्यों लीव ली थी. पीरियड की वजह से, राइट? ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? किसी ने पीरियड वर्ड पहले नहीं सुना? देविका, पहली बात तो ये कि तुम पीरियड के बारे में खुल के बात कर सकती हो. देयर इज नथिंग एम्बैरेसिंग अबाउट इट. और दूसरी बात ये कि जब भी कभी ऐसा हो
या पेन ज़्यादा हो रहा हो, क्रैम्प्स पड़ रहे हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड टेल मी, आई विल लेट यू वर्क एट योर ओन पेस। लड़कियों का ठीक है भाई, थोड़ा सा दर्द होता है इतना ड्रामा शुरू हो जाता है। भाई यार क्या है? कुछ कह रहे हो तुम राहुल? नहीं मैम, मैं बस ये बोल रहा था कि आई डोंट थिंक इट्स फेयर, क्योंकि ऐसे तो फिर ये लड़कियां लीव्स ही लेती रहेंगी। इट्स नॉट फेयर। तुमको छुट्टी नहीं मिलती है क्या जब तुम बीमार होते हो? मैम तबीयत खराब होना इज डिफरेंट। इज दैट सो? डू यू गाइस इवन नो कि कभी कभी पीरियड पेन इतना होता है दैट इट्स एज पेनफुल एज अ हार्ट अटैक। कुछ लड़कियों को ऐसे पेन होता है दैट दे इवन पास आउट। आई एम नॉट सेइंग कि पीरियड लीव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मुझको भी पीरियड्स होते हैं, इट्स नॉट दैट बैड, तो मैं यहाँ पर आके काम कर सकती हूँ। बट एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर किसी को ऐसी कोई ज़रूरत है या कोई स्पेशल प्रॉब्लम है देन आई विल नॉट हेजिटेट टू हेल्प, चाहे वो कोई भी हो। ओके निशा, क्या आपको भी पीरियड लीव की ज़रूरत है? नो मैम, इट्स नॉट दैट बैड फॉर मी। अभिषेक आपको? एंड राहुल यू? मैम मुझे क्यों चाहिए होगी? नहीं आप ज़्यादा जानते हो शायद, आप कह रहे थे ना कि लड़कियाँ छोटी छोटी बात पर रोने लगती है जब उन्हें दर्द होता है, तो सो मे बी यू नो हाउ इट फील्स इन पेन। सॉरी। एंड देविका, आई नो दैट यू आर न्यू हियर, लेकिन आज जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी बात हो, खुल के बिना डरे आके मुझसे बोलो, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम का हल तभी निकल सकता है जब उसके बारे में ऑनेस्टी से बात की जाए, इसलिए स्पीक अप, वी आर विद यू।